ये तो वॉइसेस, मैंने तो इसको डेमोक्रेटिक वॉइसेस को दबाने की जो कोशिश है उस संदर्भ में ये बात कही है। ये तो पूरे देश में प्रोटेस्ट तो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, अमेरिका में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, लंदन में नहीं हो रहे, क्या जर्मनी में लोग इनके ऊपर सवाल तो उठा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। हम तो जनता के प्रतिनिधि के नाते ये कह सकते हैं कि जो इसकी आड़ में भ्रष्टाचार है, इसकी आड़ में लोगों की आवाज दबाने की जो कोशिश है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी एहतियात के तौर पे तो जिम्मेदार नागरिक अगर सरकार कह रही है तो हम तो ये मान ही रहे हैं ना कि भाई चलो आप कोशिश करिए, हम आपका साथ देंगे, करो ना कंट्रोल। लेकिन कमाई, दवाई, पढ़ाई तीनों खत्म कर दी है पिछले 2 साल के अंदर, दवाई, कमाई और पढ़ाई, तो उसमें सारे दोषी हैं। टक्कर तो दोनों के बीच में ही है। कैसा रहेगा चुनाव? अच्छा रहेगा, और लगता है कि जो विकल्प की तलाश में उत्तर प्रदेश के लोग भी नए विकल्प की तलाश में है, अच्छे विकल्प की तलाश में है, तो और थोड़ा सा जोर लगा दिया विधायकों ने और बाकी जो छोड़ने वाले हैं तो साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी वहां पर। देखिए वहां लीडर को खत्म कर दिया जाता है बीजेपी में। आप देखो जितने भी कांग्रेस से लोग गए बीजेपी में, हरियाणा में देख लो, बीजेपी क्या करती है कि आपकी राजनीतिक पूंजी ले लेती है आपसे, आते ही जितनी आपने पूरा जीवन भर कमाई करी हो, राजनीतिक कमाई मैं कह रहा हूँ, कोई भ्रष्टाचार की नहीं कह रहा, जो कमाई आपने करी है लोगों को जोड़ करके, आपका जो कद है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसको कहेगी कि यहाँ रख दो, फिर उसको कर देगी खज्जल, फिर उसकी आवाज दबा दी जाती है वहां पर, फिर वो बोल नहीं सकता, कुछ जमुरा बना देती है। तो जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वाभिमान है, खुददारी है, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी है कि मैं इंसान हूं, हालांकि इंसान डेली हम जिंदा होने का सबूत देते हैं ना, अगर रात को सोए सुबह नहीं उठे तो कहते हैं मर गया भाई, तो उनको मारती है। जिसके अंदर थोड़ा सा भी है फिर वो निकलते हैं, जब समय आता है निकल जाते हैं। हमला चल रहा है पूरे देश दुनिया में, कहीं ना कहीं ये देखने में लगता है कि ये तमाम उन लोगों को जो आज सत्ता में बैठे हैं उनको सूट करता है, क्योंकि कोई चुनौती, कोई आंदोलन, कोई उस तरीके से जैसे साधारण माहौल में हो सकता है, महामारी के नाम पे वो बार बार उस तरह की बैन लगा देते हैं ताकि जो जन आंदोलन हो उनको दबा सके, तो क्योंकि किसी भी लोकतंत्र के अंदर जनता की आवाज़ वो सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ होती है, और जनता जब महसूस करती है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी शक्ति सामर्थ्य उसका उपयोग करते हुए उनको जगाने का काम करती है। तो यही हम कहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो, और इसकी आड़ में जो आज शोषण चल रहा है, और कुछ अगर भारतवर्ष की बात करें, चंद महापूंजीपतियों को संरक्षण देने की बात वो हम सब लोगों ने देखी है। एक एक व्यक्ति की आय तो एक दिन की 5,000 करोड़ है, और दूसरी तरफ कि पंजाब में क्या हो रहा है, जो पार्टी का अध्यक्ष है पहले तो धक्काशाही ब्लैकमेल करके उन्होंने सिस्टम पे कब्जा किया, तो गलती से कोई और उस लड़ाई में चन्नी साहब आ गए। अब चन्नी साहब तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, वो अनाउंस होना चाहिए, उसके अभाव में पार्टी नहीं आएगी, जब जब ऐसा हुआ है। दूसरे कह रहे हैं कि हाईकमांड क्या चीज़ है, ये तो जनता वो करेगी, जनता तो तय करती है, लेकिन एक लीडरशिप का भी अपना रोल होता है। और तीसरा और कोई एक मैदान में आता है, वो कहता है कि ये तो ज्वाइंट लीडरशिप है और ये तो बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो जितने मुँह उतनी बातें चल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि यही कारण है जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को, जो हर वर्ग के खिलाफ है, चंद पूंजीपतियों को, 1% जनता जो इस देश की है उसको छोड़ करके 99% लोग उनके खिलाफ होते हुए भी आज वो राज में काबिज है, इसीलिए कि जो और दूसरी फोर्सेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही हैं, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी विपक्ष की, वो विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब। तृणमूल कांग्रेस इन 5 राज्यों में गंभीरता के साथ गोवा में चुनाव लड़ रही है, बाकी जगह अभी क्योंकि संगठन बनाना था और चीज़ें हैं, बंगाल चुनाव होते ही उतना समय नहीं था कि पूरी जगह वो करें, लेकिन इन चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस पूरे देश के अंदर, क्योंकि हम
संविधान में संशोधन होने वाला है, जो ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा है उसमें व्यापक बदलाव होगा और बहुत सी चर्चाएं हैं जिससे तृणमूल पैन इंडिया लेवल पे काम करेगी। तो हम अपने बारे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस जो है वो विकल्प हरियाणा में भी होगी, क्योंकि जब हमने तृणमूल